स्लो कंप्यूटर को फास्ट कैसे करें, आज का ये हमारा टॉपिक है। तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखना है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से दोस्तों आप लोग अपने कंप्यूटर को काफी हद तक स्लो से फास्ट कर सकते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना। और दोस्तों जिसने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर दो ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। अगर आप लोग दोस्तों ज्यादा लाइक करोगे तो ये जो वीडियो है ये यूट्यूब ज्यादा लोगों को भेजेगा। तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों कंप्यूटर को फास्ट करने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि आप लोग अपने कंप्यूटर की जो सी ड्राइव है या फिर इसके अलावा जो भी ड्राइव है उसे आप लोग फुल मत करना, क्योंकि दोस्तों काफी सारे लोग क्या करते हैं कि अपने कंप्यूटर की जो भी ड्राइव होती है उन्हें फुल कर देते हैं। पहले वो ब्लू होती है और उसके बाद रेड हो जाती है, यानी कि फुली फुल हो जाती है। तो इससे दोस्तों क्या होता है कि आप लोग जो भी सॉफ्टवेयर रन करोगे तो उन्हें जगह नहीं मिलेगी सही तरीके से रन होने की, तो आपका पीसी स्लो चलेगा। तो एक बात का ध्यान रखना, हो सके तो सी ड्राइव को काफी हद तक खाली रखना ताकि आप लोग जो भी सॉफ्टवेयर को रन करें तो वो सही तरीके से चल सके। अगर आपका सी ड्राइव फुल है तो उसे आप लोग खाली कर लेना ताकि आपका कंप्यूटर स्लो से फास्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम फास्ट हो जाएगा, लेकिन काफी हद तक आपका कंप्यूटर है वो फास्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये जो तरीका है ये आप लोग अपने लैपटॉप में भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों सिस्टम दोस्तों एक ही है, लेकिन लैपटॉप को आप लोग कहीं भी ले जा सकते हैं लेकिन कंप्यूटर को आप लोग नहीं ले जा सकते, बस इतना ही फर्क है। तो आप लोग दोस्तों दोनों में ये जो तरीका है वो अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर और लैपटॉप में। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में। तो दोस्तों ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपने कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में ज्यादातर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखते हैं जो कि उनके काम के भी नहीं होते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर आपके कंप्यूटर में ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके काम के नहीं है तो उन्हें आप लोग अनइंस्टॉल कर लेना, फिर देखना कि आपका कंप्यूटर थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं हमारे आखिरी और तीसरे तरीके के बारे में। तो अगर आपके कंप्यूटर में दोस्तों कम रैम है तो आप लोग दूसरी स्टिक लेके 8 GB 16 GB जितनी भी रैम आपके कंप्यूटर में सपोर्ट करती है और कौन सी DDR है वो चेक कर लेना, फिर आप लोग दोस्तों उस रैम को अपने कंप्यूटर में लगा लेना और फिर देखना कि आपका कंप्यूटर फास्ट हो जाएगा। या भी दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड नहीं है तो आप लोग ग्राफिक कार्ड भी इंस्टॉल कर सकते हैं स्लो कंप्यूटर को फास्ट करने के लिए। तो दोस्तों बस यही थे कुछ तरीके जिसकी मदद से आप लोग अपने कंप्यूटर को फास्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई बड़ी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।